दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों PVC पैनल वर्क आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से हमने पूरा PVC पैनल वर्क जो है वो करना है। दोस्तों यहां पर जो मैं अभी डिज़ाइन आपको दिखा रहा हूं ये दो सीलिंग में आपको दिखाऊंगा और एक हमारा गैलरी का बॉर्डर आ जाएगा। तो दोस्तों पूरा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से हमने पूरा जो है डिज़ाइन किया है। यहां पर आप देखें जो दोनों सीलिंग में आपको दिखा रहा हूं ये दोनों 9x9 की सीलिंग है और यहाँ पर जो बॉर्डर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस रूम में दोस्तों हमने कुछ अलग करने की जो है कोशिश की है एज डिमांड ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉर्डर दोस्तों खाली यहाँ पर चारों तरफ का PVC पैनल से बॉर्डर जो है वो बनाया गया है और ये हमने जो पैनल लगाए हैं दोस्तों 9-9 इंच पर हमने ये जाल जो है वो बांधा है और जो पैनल लगे हैं दोस्तों वो 12-12 इंच के हमारे पैनल जो है वो लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो पैनल जो है पूरे तरीके से लगाए जा रहे हैं और बीच में फ़ैन के एरिया के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन जो है वो बन करके आएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है यहाँ पर बनाया जाएगा तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसमें बीच वाला जो एरिया है वो PVC से कवर नहीं किया जाएगा, ये भी एज डिमांड ऑफ ऑनर है तो उनकी मतलब उनके कहने पर ही इसको जो है वो खाली छोड़ा गया है और केवल बॉर्डर PVC पैनल का जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का जो बॉर्डर है 9-9 इंच पर हमने जो बॉर्डर है वो बांधा हुआ है और 12 इंच पर हमने इसके जो पैनल है वो लगाने हैं। और आगे आप पूरा डिज़ाइन जो है वो लाइटिंग वगैरह होने के बाद में पूरा डिज़ाइन आप देखेंगे किस तरीके से हमने पूरा डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग वगैरह ऑलरेडी कैसे हो रखी है क्योंकि इस बॉर्डर में लाइटिंग वगैरह जो है वो होनी है और स्ट्रिप लाइट कॉपर लाइट वगैरह भी जो है वो आनी है तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ़ैन के पास में जो आप वायर देख रहे हैं वो भी उसकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी गैलरी आ जाती है यानी जो लॉबी वाला एरिया है वो आ जाता है। छोटी सी ये गैलरी है दोस्तों और उसमें हमने ये जो बॉर्डर बनाया है ये 14 इंच का जो है बॉर्डर, इसकी जो बीच की चौड़ाई है वो 14 इंच है, 14 इंच का हमने बॉर्डर जो है वो बनाया है और दोनों तरफ 3-3 इंच की कॉफ हमारी आनी है इसलिए इस गैलरी में हमने ये लगाना है। हमने दोस्तों 20 इंच का पैनल पूरा हमारा लगेगा और पूरा डिज़ाइन बनने के बाद में कैसा लगेगा, 4 लाइटें यहाँ पर बड़ी लाइटें जो है वो दी जाएंगी तो वो भी आप आगे देखेंगे किस तरीके से पूरा वर्क जो है वो किया जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों फाइनल वर्क आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फाइनल वर्क जो है वो होने के बाद में कैसा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा फाइनल वर्क जो है वो हो चुका है। ये इस रूम में हमने पूरा बॉर्डर जो है वो दे दिया है और जो वॉल के हैं वो भी पैनल लगाए गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे हमने जो वॉल के पैनल हैं वो लगाए हैं। 2 वॉल डिज़ाइन की हैं हमने PVC पैनल से और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा बॉर्डर है हमने यहाँ पर दोस्तों 12-12 इंच के पैनल जो है वो लगाए हैं और 3 इंच की यहाँ पर कॉप जो है वो दी गई है और लाइटिंग ऑन होने के बाद में भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कि जो कितनी लाइटें इसमें जो लाइटें लगाई गई हैं दोस्तों वो हमारी 7-7 8-8 वॉट की जो लाइट आती है तो वो यहाँ पर कंसीड लाइट जो है वो लगाई गई है। चारों तरफ का बॉर्डर आप देख सकते हैं, दूसरे रूम का भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो सेम दोनों सीलिंग एक जैसी हैं। बीच में जो हमारा पंखे वाला डिज़ाइन है वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ये लाइटिंग ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोनों तरफ की लाइटिंग आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त जो लाइटिंग है वो लग रही है और ऊपर बीच का एरिया जो है दोस्तों उसमें POP यानी प्लस माइनस वाली POP जो हो रखी है और पूरा देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। स्ट्रिप लाइट लगने के बाद में पूरा टोटल किस तरीके से कितना खूबसूरत डिज़ाइन ये लग रहा है। तो दोनों तरफ का आप देख सकते हैं स्टार बीच में बनाया गया है, पंखे को पंखे की जगह जो है वो स्टार के लिए दी गई है, स्टार टाइप डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाया है और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और इस वाली सीलिंग में यहाँ पर दोस्तों फ़ैन के एरिया में यहाँ पर झूमर जो इस्तेमाल किया गया है ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ड्राइंग रूम का है, इसको आप हॉल कह लीजिए, ड्राइंग हॉल का जो ये डिज़ाइन है तो आप देख सकते हैं झूमर भी यहाँ पर लगा हुआ है और ये आ जाता है हमारा जो मैंने आपको लॉबी वाला एरिया बताया वो हमारा बचा हुआ ये गैलरी वाला एरिया आ जाता है और इसमें देखिए PVC पैनल से बना बॉर्डर कितना अच्छा जो है वो लग रहा है। दोनों तरफ आपको ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइट दिख रही है, कितनी खूबसूरत जो है वो लग रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और दोस्तों अगर आप हमसे वर्क कराना चाहते हैं तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप देखिए प्राइस के बारे में दोस्तों प्राइस को थोड़ा सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि पहले से मैं प्राइस बताता हुआ आया हूँ तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में प्राइस आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप अगर ये वीडियो 6 महीने बाद 1 साल बाद देख रहे हैं और जो रेट मैं अभी बता रहा हूँ तो फिर
आप कहते हैं कि मतलब जो रेट है वो आपने कुछ और बताया हुआ है और लेटेस्ट वीडियो में कुछ और बताया हुआ है, तो दोस्तों देखिए रेट जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, वहाँ पर हमें फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करें तो आपको मैसेज के थ्रू जो है बता दिया जाएगा। वॉल वाले जो पैनल हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 8-8 फुट के पैनल जो है सारे पैनल लगे हुए हैं, दो बहुत ज़बरदस्त पैनल लगाए गए हैं और पूरी प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ मैं वर्क को दिखा रहा हूँ। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वर्क अगर कराना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए जल्दी से जाकर। और अपना जो वर्क है अगर आपको कराना है तो दिल्ली गाज़ियाबाद नोएडा में आप वर्क करा सकते हैं, हमारा जो वर्क है वो दिल्ली गाज़ियाबाद और नोएडा के लिए है, तो आप जिस मर्जी चाहे वर्क जो है वो करा सकते हैं, फुली रूम डिज़ाइन करा सकते हैं, सीलिंग करा सकते हैं या वॉल पर अगर पैनल लगवाना चाहते हैं वो भी आप लगवा सकते हैं। हमारा फुल इंटीरियर वर्क जो है वो हमारे पास में किया जाता है। ये आप स्लेब देख रहे हैं दोस्तों, 6 इंच का हमने ये स्लेब दिया है, जो इसकी दोस्तों 3 इंच बाई 6 इंच का हमने जो एक स्लेब दिया है और इस पर आप कुछ इस तरीके से फ्लावर टाइप भी जो है रख सकते हैं। और यहाँ पर दो लाइटें दी गई हैं, जो स्ट्रिप लाइट हमारी जो कोब लाइट छोटी वाली होती हैं COB लाइट, तो वो यहाँ पर दी गई हैं। तो प्राइस के बारे में जानने के लिए दोस्तों हमें कमेंट जरूर करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा।